बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिर भी कभी आपको लोड हो जी आदमी की, मेरे को याद करना जी, बड़ी मेहरबानी होगी। फौजी तू तू यहां क्या कर रहा है भाई? है कब आया तू? वो ऐसे कैसे देख रहा है? तू ठीक है ना? हाँ यार, मैं तो ठीक हूं, पर तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है भाई? के बाद क्या सब ठीक तो है ना? हो बिल्कुल ठीक है सब। अरे तुझे पता है कल अपनी रानों की चुन्नी चढ़ाई की रस्म थी। तुझको बताया था ना फोन करके, आया क्यों नहीं तू? और तेरे को पता है ना रानो कितनी नाराज है तेरे से? ओ हाँ यार, बिल्कुल सच्ची मुझे भाई। हाँ। कोई बात नहीं यार, गुरचर ने बहुत दिनों के बाद मिले यार, कहीं आराम से बैठ के बात करते हैं। आजा आजा चल। ले विलिया फड़ा चा फड़ा। शाश। और तूने देखना था रानो कितनी सुंदर लग रही थी, आंख नहीं टिक रही थी उस पर। और रणवीर, और मुझे तो लगता है मुझे ऊपर वाले ने बेटा दे दिया। कितना खुशकिस्मत हूं यार मैं। हुआ क्या, क्या छुपा रहा है तू मुझसे? यार नौकरी चली गई है मेरी। कैसे कैसे चली गई तेरी नौकरी भाई, कैसे? ये मेरे को नहीं मालूम। वड्डी साहब कह रहे थे भाई रेलवे में लंबी चौड़ी छटनी की जा रही है जिसमें तेरा नाम भी आ गया है। तेरा नाम? पता नहीं कैसे आ गया, क्यों आ गया, बस इतना पता है कि अब मैं बेरोजगार हूँ, कम नहीं है कोई उसके पास, और इस उम्र में कोई काम देने को तैयार भी नहीं है। मुझे नौकरी जाने का कोई गम नहीं है, वो गम इस बात का है कि इस वक्त मेरी नौकरी चली है। रानू के ब्याह की तारीख किसी भी दिन पक्की हो सकती है, हजारों खर्चे हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, कमला की भी चिंता नहीं है, वो तो ताने मारती रहती है, मारती रहे। और जब रानू को पता चलेगा मेरी नौकरी दी है तो क्या गुजरेगी उस पर? थोड़े दिनों की मेहमान रह गई है वो अपने घर में। मैं नहीं चाहता कि जब वो डोली में बैठे तो उसके उसके मन पे दुख हो और परेशानियों का बोझ हो। मैं चाहता हूं कि वो खुशी खुशी इस घर से विदा हो। इसका मतलब है कि राणू और परजाई को तेरी नौकरी चले जाने के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं। मैं सोचता था कि दूसरी नौकरी मिल जाएगी तो बता दूंगा मैं उसे,
इसी घर के ये रोज ये यूनिफॉर्म पा के तिनाल टिफिन का डब्बा लेके घर से निकल पड़ता हूँ। कब तक वे कब तक ये बात छुपाएगा तू उनसे? कब तक? वो मुझे नहीं पता कब तक। कैसी होगी रानो की शादी? कैसे कैसे सपने देखता था मैं रानो की शादी के। अब उन्हीं सपनों को अपनी आंखों के सामने चूर चूर होते देख रहा हूं। नहीं हो मास्टर, नहीं। हिम्मत रख, वाहेगुरु मेहर करेंगे हैं? वो एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा जरूर दिखाता है। सब ठीक हो जाएगा। चल, आज शाम तक तू मेरे साथ ही रह, फिर हम इकट्ठे चलेंगे तेरे घर। मुझे भी तो मिलना है राणो पुत्र से। ओए वो डांट भी तो खानी है मुझे उससे, है कि नहीं है? शानू, मान गए बॉस, किसी ने ठीक ही कहा है। गॉड तुसी ग्रेट हो। आज अगर कुछ और भी मांगा तो वो भी मिल जाता। अब भगवान जी जल्दी से मेरी दूसरी विश भी पूरी कर दो। फटाफट रानो को इस घर में हमेशा 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 के लिए भेज दो। जल्दी से बाय। चलो जाना दी, चलो ना अंदर। गुड्डो तू अंदर जा, और हाँ याद से अपने रणबीर वीर जी को बोल देना कि शाम को तुझे घर छोड़ दे, ठीक है? जा। रणबीर रणबीर, ओए कहीं ये शॉपिंग के लिए तो नहीं जा रहा? हाय हाय, टीना कहाँ है? अब वो कहीं है कहीं। टीना ये तेरी नजरें किसको ढूंढ रही है? अब नहीं तो मेरी नजर क्यों किसी को ढूंढने लगी? मैं तो इस गार्डन को देख रही हूँ। देख रानो कितना सुंदर है ना? काफी सुंदर है। चले रानो, यहाँ तक आई और मिले बिना चले जाओगे? अच्छा बता दी प्रीत जी, कब से तेरा इंतजार कर रही है पता? आ गई गुड्डो, कितने थी? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। गुड्डो तू अकेली आई है? सुखी नहीं आया, बाहर खड़ा है क्या? नहीं बीजी, सुखी नहीं आया, वो तो राना दीदी मुझे छोड़ने आई है। तभी मैं सोचूं कि रणबीर ऐसे भागते भागते कहाँ गया, अब समझ में आया कहाँ गया। हाय हाय, ये टीना पता नहीं कहाँ है। माता रानी की सौ, जब जहाँ होना चाहिए वहाँ कभी नहीं होती। ये तुम्हारे भी तो घर है, चलो। नहीं रणबीर, मैं घर जाऊंगी, मैं तो बस गुड्डू को छोड़ने आई थी। अच्छा तो तुम गुड्डू को छोड़ने आई, मुझसे मिलने नहीं? देख लो रणबीर, इस बार मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूँ, इस मैडम को ही घर जल्दी जाना। वैसे अगर आप तन्हाई में कुछ बातें करना चाहते हैं तो मैं इधर उधर घूम के आ सकती हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी? कब से सोच रही थी गुड्डो अभी आएगी कि, लेकिन गुड्डो आई नहीं। खैर कोई नहीं, सारे गिफ्ट तैयार करके रखे हुए हैं। चल रुपा, क्यों होया? तेरे हाथ ऐसे सूखे हुए लाल लाल, इतने सख्त क्यों हो रहे हैं? प्रीतम जी वो ना, मैं हर रोज कपड़े धोती हूँ। तूने मुझे कस के नहीं छोड़ना पड़ता है, ये तो सूखते नहीं है ना। हाय हाय गुड्डो, तेरे घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है पुत्र? नहीं। मुझे क्यों नहीं बोला, मैं देती थी ना वॉशिंग मशीन। प्रीतम जी वो रानो दीदी है ना, उन्होंने मुझे मना किया था। वो मुझे कहती है जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने मायके वालों से कुछ भी नहीं मांगती है। हाय हाय
देख लिया ना प्रीत बहन जी, ना पुत्र तेरा ब्याह हुआ है पर तू हम लोगों के लिए इतनी पराई थोड़ी ना हो गई है। और हम लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं, हमारा जब भी मन करे ना हम तुझे कुछ भी लाकर दे सकते हैं। पर वो जो तेरी रानो दी है ना, वो कभी अपने बाबूजी से तो कुछ मांगेगी नहीं, क्योंकि अगर उसने कभी कुछ मांग भी लिया तो उसके बाबूजी भला उसे देंगे क्या। रणवीर मुझे जाने दो, मुझे बाबूजी से स्टेशन मिलने जाना है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि शादी से पहले मेरा पहला कंपटीशन मेरे अपने ससुर से होगा। पहली बात तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, और अगर होता भी तो मेरे बाबूजी जीतते। अच्छा क्या हुआ? रणवीर मुझे बाबूजी की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबूजी शादी के खर्चों को कैसे उठाएंगे, और मुझे डर इस बात का लग रहा है रणवीर कि कहीं मेरे जाने के बाद भी बाबूजी शादी के लिए उठाए गए कर्ज को सारी जिंदगी चुकाते न रह जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ पीले करने के लिए मेरे बाबूजी किसी के भी सामने हाथ फैलाए। जानू, क्या मैं तुमसे अलग हूं? क्या मेरी चिंता तुम्हारी चिंता नहीं है? शादी का खर्चा तुम्हारे घर वाले उठाएं या मेरे घर वाले, क्या फर्क पड़ता है? नहीं रणवीर, मैं नहीं चाहते कि बाबूजी अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करें। रणवीर, क्या हम शादी सादे ढंग से कर सकते? समझ गया, सब कुछ समझ गया। शादी चाहे धूमधाम से हो या सीधे सादे ढंग से, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो मेरी रानो मिल जाएगी। वाह, सुंदर बगीचा है। सुनिए, इस बगीचे की देखभाल आप करते हो? जी हाँ, हम ही करते हैं। बड़ी मेहनत लगती होगी, है ना? मेहनत तो लगती है जी। तुम? मालिक माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, जाओ। इसी बहाने तुम ना ही तो सही। अरे निमी, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? अरे रानो, तुमने अपनी इकलौती सहेली को अकेला छोड़ दिया? ये देखो इसकी क्या हालत हो गई तुम्हारी वजह से, भीग गई है। चलो चलो अंदर चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। ये अपने पानी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? चलो चलो अंदर चलो, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी। कम ऑन। अरे रानो, जीती खुश रहो। और ये क्या निमी, तू भीग कैसे गई? अरे गुड्डो गुड्डो गुड्डो, उतर अपनी निमी दीदी को अंदर लेके जा, इसके कपड़े चेंज करवा दे। नहीं बीजी, सूख जाएंगे, कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे सूख जाएंगे? गीले कपड़े पहनने से तबीयत खराब हो जाती है। गुड्डो जा, अपनी निमी दीदी को अपने कमरे में ले जा। चलो दीदी। विकी, विकी देखा तूने? क्या क्या देखा? अरे देखा नहीं, जब से वो रानो हमारे घर आने जाने लगी है ना, साड़ी बड़ी हवेली तो डेरा बसी के आम लोगों के लिए सराय बन गई है। आम लोग मतलब? मतलब देखा नहीं क्या, जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। रणवीर चलो। हाँ?
अरे टीना 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं जा सकता यार। वो रानू घर पे आई हुई है गुड्डू के कमरे में। तुम अकेली नहीं जा सकती प्लीज। क्या हुआ, तुझे इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? कुछ नहीं, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने रानू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपने कपड़े पहनने हैं। तो पागल हो गई है निम्मी, गीले कपड़े पहनेगी तो बीमार पड़ जाएगी। कितनी प्यारी तो लग रही है इन कपड़ों में, देख कितनी सुंदर लग रही है। चल जल्दी से इसमें कपड़े डाल और घर चलते हैं। चल मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, चली जाओ ना। रणबीर यू प्रॉमिस्ड, हम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। अब टीना वो तुम्हें शॉपिंग ही जाना है ना? यस, आज अभी इसी वक्त। हाँ आज अभी इसी वक्त। वीर जी है ना, विकी वीर जी है ना, वो तुम्हें शॉपिंग ले जाएंगे। क्यों वीर जी, अरे आप तीनों को शॉपिंग ले जाएंगे ना? मेरी बात सुनो, टीना को शॉपिंग ले जाएंगे ना? हाँ विकी, तू ले जाना टीना को शॉपिंग के लिए, कुछ खास काम तो कर नहीं रहा है तो पूरे दिन। टीना विकी ले जाएगा तुझे शॉपिंग के लिए। अच्छा मौका, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे तो इनका रिश्ता करने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। प्रीतपेन जी, मैं कह रहा था कि अब तो रानू भी जा रही है तो रणवीर ही ले जाएगा ना टीना को शॉपिंग पे। अब प्रीत बहन जी, वो रानू को भी तो छोड़ने किसी को तो जाना पड़ेगा ना, तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं रणबीर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद चले जाएंगे। अब तुम बस शाम को गुड्डू को घर छोड़ देना प्लीज। आ गई महारानी। जाने से पहले बोल के तो नहीं गई थी कि कहां जा रही है, अब आ गई तो बता दे कहां थी तू और गुड्डो कहां है? गुड्डो उसे तो मैं अभी क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, बताती क्यों नहीं कहां गई थी? उसे मैं वड्डी हवेली छोड़कर आ रही हूँ। क्या देखा सुखी, न पूछा न तस्या, बस मुंह उठाए और चल दिया वड्डी हवेली। छोड़ो माँ, इसका तो रोज का काम है। पर गुट्टों का समझ नहीं आया, उसके कब से पर निकल आए जो बिना बताए चली गई। मैं तेनू कितनी बार क्या सी, रौब रख रौब, मगर तू सुनता नहीं है। और गुड्डो से कहा था तुझसे पूछ के जाएगी, मगर ये है ना रानू महारानी, सारे फैसले यही लेगी। सत श्री अकाल भरजाई जी। हाजी चाचा। रणवीर के साथ आप कैसे हो? एक बात बताओ, आप मेरी चुनरी चढ़ाने के रस्म पे क्यों नहीं आए? बहुत नाराज हूँ मैं आपसे। वो नाराजगी तो दूर करने आया हूँ पुत्र। कमाल है, एक बात बता, तू अपने फौजी चाचा का मुंह नहीं मीठा करवाएगी? ओ भरजाई जी, बहुत बहुत मुबारक, मुंह तो मीठा करवाओ। ओ लो जी,
ओ मुंह मीठा करो है जी, ओ मेरे गुल्लू दी सगाई दी मिठाई है जी। तुसी ते ना मैनू सुखी दे व्याह दी मिठाई खवाई ते ना रानो दे रोके दी है जी, ते मैं के मेरा फर्ज है जी। बहुत जल्द जी मेरे गुल्लू दा व्याह होन वाला है जी। ओ जी एना तो मिलो जी, ए है गे मेरे गुल्लू दे साले साहब, ए ते नाले डेरा बसी दे नवे स्टेशन मास्टर।